नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24। आपके साथ मैं हूं अंकिता और शुरुआत करते हैं अलीगढ़ की खबर के साथ, जहां पर नेशनल हाईवे पर देर रात भयानक सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हैं। हादसे के बाद लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसा नेशनल हाईवे नंबर 91 पर हुआ है। फरुखाबाद डिपो की बस अलीगढ़ जा रही थी और बस गभाना थाना क्षेत्र के बुलंदशहर बॉर्डर पर खराब होकर खड़ी थी और तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हैं। आधे घायलों को अलीगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है तो वहीं आधे घायलों को बुलंदशहर के अस्पताल भेजा गया है। तो एक बड़ा हादसा अलीगढ़ में हुआ है। बॉर्डर पे है, बुलंदशहर और अलीगढ़ के बॉर्डर पे है। एक रोडवेज की बस खड़ी थी, उसके पीछे से ट्रक ने टक्कर मारा है। इसमें से मौके पर 5 लोगों की मृत्यु हुई है और करीब 8 लोग या 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 4 हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए हैं, यहाँ पे रुपान सिंह में, बाकी 4 बताए गए हैं बुलंदशहर शिफ्ट हो गए हैं। सबको बुलंदशहर भी SSP से बात हो गई है, वो भी अपने यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो लोग आए हैं उनकी सारी व्यवस्था हो रही है। बॉर्डर पे है बुलंदशहर और में। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रकाश, कब की ये घटना बताई जा रही है? मैं आपको बता दूं, रात करीब 12:30-1 बजे की घटना है। जो फरुखाबाद डिपो की बस थी जो दिल्ली से अलीगढ़ की तरफ आ रही थी, तभी नेशनल हाईवे पर गवाना के पास किसी कारणवश खराब हो गई थी बस। पीछे से ट्रक ने इसे रौंद दिया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, 1 दर्जन लोग घायल थे, जिनको बुलंदशहर और अलीगढ़ में भर्ती कराया गया है। जी, घायलों की स्थिति क्या कुछ बताई जा रही है? अभी तक जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 2 की स्थिति अभी नाजुक बताई जा रही है और 2 की स्थिति सही है जो अलीगढ़ में भर्ती है और 4 लोगों को बुलंदशहर में भर्ती कराया गया है। चलिए प्रकाश, नजर बना के रखिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अलीगढ़ के नेशनल हाईवे पर देर रात भयानक हादसा हुआ और इस भयानक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है।